माँ जी, मैं इस वक्त जिनसे बात कर रही हूँ वो कपड़ों के बहुत ही बड़े व्यापारी हैं। इनफैक्ट गुजरात और राजस्थान में इनका बहुत बड़ा नाम है और वो कल हमारे यहाँ आकर सैंपल्स देखना चाहते हैं और अगर उन्हें क्वालिटी पसंद आ गई ना तो कल के कल ही हमें ऑर्डर दे देंगे। शुरू कर रहे हैं उस बिज़नेस का सत्यानाश करने का पूरा प्लानिंग बन चुका है परिधि और मोना का। सो जैसे कि मेरा फिर से विश्वास लौट आया है कान्हा जी पे, आई एम श्योर अगेन कान्हा जी विल हेल्प मी आउट विद दिस। एंड जो उन्होंने प्लानिंग की है इस बिज़नेस को बिगाड़ने की, बिकॉज यू नो दे आर क्वाइट इनसिक्योर कि अगर मेरे हाथ में बिज़नेस आ गया तो क्या होगा। सो होपफुली सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बिकॉज जैसे कि कहते हैं ना कि आप सेल्फलेस होके जब कुछ करते हो ना तो उस चीज़ में हमेशा गॉड ऑलवेज हेल्प यू विद दैट थिंग। और जहाँ पे सेल्फिशनेस आ जाती है, आप भले ही कितनी भी अच्छी किस्मत लेके आओ, किस्मत अपने आप ख़राब हो जाती है। सो दिस इज़ समथिंग जिसकी मॉरल है ऑफ दिस स्टोरी, हम यही बताना चाहते हैं कि यहाँ पे मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ और लाइक मुझे कुछ चाहिए, नहीं, मैं ये अपने परिवार के लिए कर रही हूँ ताकि मेरा परिवार एकजुट हो जाए, ताकि मेरी माँ जी को वो वापस अपना वो अहदा अस्तित्व हर चीज़ वापस मिल जाए। सो आई एम श्योर कि कान्हा जी और आप सबका प्यार है ना मेरे साथ, तो डेफिनेटली ये बिजनेस बहुत अच्छा होगा।